नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है, इतने विस्तार से कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। और ये न्यूज का एक लौता फैमिली शो है, तो बिना वक्त गवाए आज की पाठशाला। सबसे पहले अटेंडेंस। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं वो सबूत जो ज्ञान वापी से पहले मथुरा में मंदिर बनवाएंगे। मथुरा में मस्जिद नहीं मंदिर, 10 ऐतिहासिक गवाही आपके सामने रखूंगा। एक नहीं, 10 ऐतिहासिक गवाही, इतिहास के वो पन्ने जो मथुरा के बारे में चीख चीख कर बताएंगे। 190 साल पुराना फैसला कैसे मथुरा का केस पलट देगा, आज आपको वो भी बताऊंगा। वो काम जो मोदी से पहले के पीएम करने से हिचक गए थे, उस काम के बारे में बताऊंगा। और पाठशाला सबसे पहले शुरू करूंगा मथुरा के नए चैप्टर से। ज्ञानवापी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन मथुरा में मंदिर कैसे, वो सबूत जो मथुरा में मंदिर पहले बनवाएंगे, उनका चैप्टर। ज्ञानवापी का मामला तो अभी जिला अदालत में है, वीडियोग्राफी के सबूत 30 मई को दिए जाएंगे। लेकिन पाठशाला में आज हम मथुरा का नया चैप्टर खोल रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे ज्ञानवापी से पहले अगर ये सबूत कोर्ट के सामने रखे गए और जो बातें कही जा रही हैं, तो मथुरा में मंदिर बन जाएगा ज्ञानवापी से पहले। इसकी एक वजह यह भी है कि मथुरा के केस में कोर्ट से यह क्लियर हो चुका है कि 1991 का जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, जिसको प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो मथुरा के केस पर लागू नहीं होता। तो पहले तो वो अड़ंगा पहले ही हट चुका है। लेकिन वो सबूत क्या है जो ज्ञानवापी से पहले मथुरा में मंदिर बनवाएंगे, आज मथुरा के चैप्टर में आपको उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मथुरा का जो चैप्टर हमने आपको दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ समेत सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया, तो उसके एक साल के बाद यानी 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का अलग से फरमान दिया। यानी 1669 में काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा और 1670 में एक साल बाद मथुरा का मंदिर तोड़वाया गया, और उसी औरंगजेब ने तोड़वाया। इसके बाद मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर बने प्राचीन मंदिर की लोकेशन पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई, यह भी कहा गया। अब इसके आगे के बारे में आपको बताता हूं। 1670 से अब हम चलते हैं 1707 पर, जब औरंगजेब की मौत हो गई, और उसके बाद 1777 में मराठा शासकों ने गोवर्धन के युद्ध में जीत हासिल करके आगरा और मथुरा ये दोनों अपने कंट्रोल में ले लिया। मराठा शासकों ने कृष्ण जन्म स्थान के प्राचीन मंदिर समेत पूरे जो कटरा केशवदेव इलाका है उसकी जमीन को नजुल यानी सरकारी जमीन घोषित कर दिया, पूरी जमीन को। मराठा शासन के समय ईदगाह मस्जिद में अजान देने वाला जो मुअज्जिन होता है वो भी ईदगाह मस्जिद छोड़कर चला गया, दूसरी जगह चला गया। उसको पता ये सरकारी जमीन हो गई, दिक्कतें आ सकती हैं, तो चला गया, छोड़कर मस्जिद छोड़कर चला गया। सन 1803 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में मराठा शासक दौलतराव सिंधिया को हरा दिया, और मथुरा का शासक कौन बन गए, अंग्रेज बन गए। और ये कब की बात बता रहा हूं, 1803 की बात बता रहा हूं, यानी 1777 में मराठा और उसके बाद 1803 में अंग्रेजों के पास मथुरा चला गया। लेकिन मथुरा का शासन अंग्रेजों को मिलने के बाद भी कटरा केशव देव की जमीन, जिसे सरकारी जमीन घोषित किया गया था मराठाओं के वक्त, वो सरकारी जमीन के तौर पर ही बनी रही। मथुरा को जीतने के 12 साल बाद अंग्रेजों ने कटरा केशव देव की जमीन की नीलामी करी, यानी 1803 में जीता और उसके बाद 1815 में जमीन की नीलामी अंग्रेजों ने की। 1815 में कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन बनारस के राजा पटनी मल ने नीलामी में खरीदी। ये वही जमीन है जिसको लेकर अभी केस चल रहा है। तो वो 1815 में राजा पटनी मल ने जमीन को खरीदा था, ये डॉक्यूमेंटेड है। राजा पटनी मल के कटरा केशव देव की पूरी जमीन खरीदने के रेवेन्यू और म्युनिसिपल रिकॉर्ड मौजूद हैं।
1875 से 1877 यानी इस दो साल के बीच पटनी मल के वंशजों को जमीन पर कोर्ट से 6 से ज्यादा डिक्री जारी की गई, मतलब 6 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए, आदेश जारी किए गए। तो सब सबूत है, क्योंकि 91 का एक्ट यहां लगना नहीं, जमीन किसकी है, मालिकाना हक किसका है, और जिसका जो मालिक है वही तो बोलेगा ना कि हाँ ठीक है ईदगाह मस्जिद जो है वो आप अपने हिस्से की जमीन रख लीजिए, या आप जिधर हैं उधर की जमीन रख लीजिए। तो जिनकी जमीन है वो कह रहे हैं कि जिसने ये डील कर ली उसका तो हक ही नहीं था, जमीन पे बात होनी है, जमीन के रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं। राजा पटनीमल के वंशजों को मथुरा की जमीन पर बसने वाले किराएदारों से किराया भी मिलता था, और यह सबूत होता है, किराएदार ने किराया दिया यह आपको मालिक होने का सबूत होता है। अंग्रेजों के जमाने में ही मुस्लिम पक्ष कटरा केशव देव की जमीन की बिक्री के खिलाफ कोर्ट चला गया था। अब आप सुनिए, पहले भी जब कोर्ट में ये लोग गए तो क्या हो चुका है, और वो कितनी बड़ी गवाही है, सबूत है इस मथुरा के मामले में। यह डिटेल आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सब आज के केस की बात कर रहे हैं। सुनिए 1832 के केस में क्या हुआ था। 1832 में ईदगाह मस्जिद के मुअज्जिन जो अजान लगाता था, जो छोड़ के चला गया था, वो 1832 में मुअज्जिन अताउल्ला खातिब ने कटरा केशव देव की जमीन बिक्री रद्द करने और मस्जिद को रिपेयर करने की अर्जी लगाई कि भाई ये जो बिक्री है, ये जो आपने दी है जमीन, ये कैंसिल कर दी। लेकिन ये केस खारिज हो गया उस मुअज्जिन का। किस आधार पर खारिज हुआ? कि मराठा शासन के दौरान मुअज्जिन मस्जिद छोड़कर भाग गया था, तो ये केस खारिज हो गया कि जब तुम वहां रह नहीं रहे थे, तुम तो मस्जिद छोड़ के भाग गए थे, तो तुमको क्या पता मालिकाना हक किसका है नहीं है। तो वो केस 1832 वाला खारिज हो गया, वहां मुस्लिम पक्ष जो है वो पहले एक बार मुखी खा चुका। ये पहली बार केस हुआ था उस जमीन को लेकर। अब आपको बताता हूं, 1897 में अहमद शाह नाम के व्यक्ति ने कटरा केशव देव के पास रोड रिपेयर कर रहे गोपीनाथ पर केस कर दिया कि ये रोड क्यों बना रहा है, ये तो जमीन मुसलमानों की है। इस केस को भी मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया और कहा कि ये साबित नहीं होता। ध्यान से सुनिए, 1897 में मजिस्ट्रेट ने केस खारिज किया अहमद शाह का और कहा कि यह साबित नहीं होता कि यह जमीन मुसलमानों की है। तो यह दूसरा मौका था जब यह जमीन मुसलमानों की नहीं है, यह कोर्ट में साबित हुआ। दो सबूत आपके सामने रख दिए जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। मथुरा विवाद में तीसरा केस आया, और यह कब आया? यह आया 1920 में, जब अंजुमन इस्लामिया के सचिव काजी मोहम्मद अमीर ने कोर्ट में अर्जी दी कि मस्जिद की परिधि में कुछ पुराने अवशेषों पर पुजारी प्रहलाद नाम के व्यक्ति ने मंदिर बनाना शुरू किया, और क्योंकि यह जमीन मुसलमानों की है और उनके अधिकार में है, इसलिए यहां बने मंदिर के हिस्से को गिरा दिया जाए। इस केस के फैसले में जज थे एचजी हार्पर। उस जज ने, एचजी हार्पर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया था। क्या दिया था जज ने उस वक्त? कहा कि मथुरा पर आर्कियोलॉजिस्ट F.S. ग्राउस की किताब और दूसरे फैसलों में दोनों पक्षों द्वारा दिए गए संदर्भों से स्पष्ट है कि जिसे कटरा केशव देव कहा जाता है, उस जगह पर एक समय पर भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य और अहम हिंदू मंदिर था। यह जज H.G. हार्पर अपने केस में ऑब्जर्वेशन के दौरान कह रहे हैं। और यह केस कब का आपको बता रहा हूं? यह आपको बता रहा हूं 1920 का केस बता रहा हूं। जज ऑब्जर्वेशन में कह रहे हैं कि वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट की किताब में लिखा हुआ है, उसके आधार पर और जो पिछले केसेस हैं, और उस किताब के बारे में आपको अभी आगे बताऊंगा, कि वहां भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य और अहम हिंदू मंदिर था। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा और यहां पर बहुत बड़ी मस्जिद बनवा दी। ये जज ने कहा है, ये मस्जिद आज भी खड़ी है और मुसलमान यहां ईद की नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मस्जिद मंदिर के नींव के हिस्सों पर खड़ी है जो कि आज भी साफ दिखता है। मस्जिद के चारों तरफ अचानक ढलान। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिस मस्जिद का जिक्र हो रहा है कि वो मंदिर के नींव पर खड़ी है,
और उसके चारों तरफ ढलान है। यह 1949 की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और अगर आप देखेंगे इस तस्वीर को, अगर आप देखेंगे आपको यहां दिखेगा, देखिए ये यहां आपको मस्जिद दिख रही है, ये मस्जिद दिख रही है, ये जो नीचे का हिस्सा कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर का बेस है। अचानक से आपको यहां ढलान दिख रही है, जो जज ने अपने फैसले में कहा था कि ये मस्जिद जो है उसके आसपास ढलान है और ये मंदिर के बेस पर बनी हुई है, और इसे औरंगजेब ने तोड़कर कृष्ण मंदिर वहां मस्जिद बनाई थी, वो जो बातें कही गई वो यहां साफ उस ईदगाह मस्जिद में नजर आ रही है। और यहां अगर आप देखेंगे कटरा केशव देव का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो वो भी चीज है। तो तस्वीर 1949 की ये तस्वीर है, ये भी बहुत कुछ कहती है। जब एचजी हार्पर ने अपने ऑब्जर्वेशन में जिक्र किया था कि मथुरा में मंदिर की नींव पर मस्जिद खड़ी है, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर, इसमें मंदिर के नींव पर खड़ी मस्जिद के चारों तरफ ढलान सब दिख रहा है। लेफ्ट साइड में बोर्ड दिखता है जिस पर केशव देव राय लिखा है, 1949 की तस्वीर है। मस्जिद को शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है, इसी मस्जिद। 1920 के इस केस में ब्रिटिश जज ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो कम से कम 100 साल पहले राजा पटनीमल और उनके परिवार के नाम पर थी, इसलिए कोई अन्य पक्ष इस जमीन के मालिकाना हक पर दावा कर ही नहीं सकता। मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद की परिधि में कोई नया मंदिर बनाने की कोशिश नहीं हुई। विवादित जमीन पर सालों से मंदिर था, इसलिए जो मंदिर बनाया जा रहा है कि वो मस्जिद की जमीन पर नहीं बनाया जा रहा, इसलिए केस खारिज किया जाता है। तो ये तीसरा केस था 1920 में जो मुस्लिम पक्ष हार गया। तीन तीन केस हारे और तीनों में एक ही बात कि यहां मंदिर था, ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी, और ये जमीन किसकी है, मालिकाना हक मस्जिद के पास नहीं है, केशव देव राय के पास है। तीन केस आपको बता दिए, सबूत हैं ये सबूत। अब आपको बताता हूं कि वहां कैसा मंदिर था, फिर कुछ और सबूतों पर आऊंगा, क्योंकि मंदिर की बात तो हो रही है। मथुरा में प्राचीन केशव मंदिर को सबसे पहले 11वीं सदी में मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी ने तोड़ा, फिर 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, फिर 14वीं सदी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा, फिर 15वीं सदी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने तोड़ा। बार बार इन हमलों के बाद भी 16वीं सदी तक केशव मंदिर को पूजा करने वाली स्थिति में स्थापित किया गया। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान सन 1580 में एक पुर्तगाली यात्री फादर एंटोनियो मोंसरेट वो मथुरा आए, उन्होंने क्या कहा प्राचीन केशव मंदिर के बारे में, उन्होंने क्या लिखा, ये गवाहियां हैं, सुनिए। उस आदमी ने लिखा, पुर्तगाली यात्री ने, कि मथुरा में कई मंदिरों के बीच सिर्फ एक हिंदू मंदिर बचा है, बाकी मंदिरों को मुसलमानों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यमुना के किनारे बने इस मंदिर में पूरे भारत से भारी भीड़ आती है। वो लिख रहा है कि बाकी मंदिर तो तोड़ दिए गए, एक बचा हुआ है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों को यमुना के किनारे सिर और दाढ़ी मुंडवानी होती है और यमुना में कई बार डुबकी लगानी होती है। पुर्तगाली टूरिस्ट है, उसको हिंदू रीति रिवाज नहीं पता, तो वो बता रहा है जो देख रहा है। यमुना के किनारे करीब 300 नाई बैठते थे जो बड़ी संख्या में आए भक्तों का सिर मुंडवाने में लगे रहते थे। तो ये व्यक्ति भी उस जमाने में लिख कर जा रहा है कि वहां मंदिर था। अब एक और गवाही सुनिए, 17वीं सदी में केशवदेव मंदिर का पुनर्निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदेला ने किया, और मंदिर का पुनर्निर्माण शायद इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर जहांगीर के पिता अकबर के करीबी अबुल फजल को मार दिया था, तो शायद इनाम के तौर पर कि चलो वफादारी निभाई तो इसको एक मंदिर बनवा देते हैं, वो हिसाब रहा हो। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दक्कन से अबुल फजल को अकबर के दरबार में बुलाया गया है,
उसे दरबार में आने से रोकना जरूरी है। उसके रास्ते में बीर सिंह देव का इलाका पड़ता है। मैंने संदेश भेजा है कि अगर बीर सिंह अबुल फजल को रोकेगा और उसे मार देगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा हुआ कि अबुल फजल बीर सिंह के इलाके से निकला, बीर सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया और एक छोटी लड़ाई के बाद बीर सिंह ने अबुल फजल को मार दिया और उसका सिर मुझे इलाहाबाद भेज दिया। यह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और अबुल फजल कौन था? वो नौरत्नों में से एक था जो अकबर के नौरत्नों में से। तो अपने पिता के खास, पिता कौन? अकबर। अकबर के खासम खास अबुल फजल को मरवाने के लिए उसने इस्तेमाल किया जिस राजा का, उस राजा को यह मौका दिया कि वो वहां मंदिर का काम करवा। इसके बाद जब जहांगीर का राज आया तो उसने बीर सिंह को ओरछा का शासक बना दिया और बीर सिंह ने इस पूरे इलाके में अपनी धाक जमानी शुरू की। इसी में उसने मथुरा में केशव देव मंदिर का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय के एक लेखक शेख फरीद भक्कारी ने बीर सिंह के बनवाए मंदिर के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि बीर सिंह ने मथुरा में ऐसा मंदिर बनवाया, ऐसा मंदिर कि वो कयामत के दिन तक बना रहेगा। करीब 10 लाख रुपए उस जमाने में खर्च हुए। कुछ जगहों पर मिलता है कि इसके लिए 30 लाख 33 लाख भी खर्च हुआ, अलग अलग बातों का जिक्र होता है। कई बार उसने अपने वजन के बराबर सोना तौल कर दिया। एक बार 1000 सिक्के और 1000 चांदी के लोटे ब्राह्मणों को दिए। फ्रांस के यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर जो 1656 से 1668 के बीच भारत आया था, उसने 1663 में मथुरा के मंदिर को देखकर क्या लिखा था आपको पता है? यह एक और गवाही है। आज पाठशाला में आप सिर्फ गवाहियां सुनते जाइए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, जो कहीं नहीं मिलेंगी। और ये गवाहियां चीख चीख कर कह रही हैं कि 91 का एक्ट लगना नहीं, जमीन का मालिकाना हक साबित हो ही जाएगा। ऐसे में ये गवाहियां बताएंगी कि वहां मंदिर था और फिर मंदिर बनने से कैसे रुकेगा, ये प्रश्न पूछेगी। तो जिस व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं, 1656 से 1668 के बीच फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांसीसी यात्री आया, उसने क्या लिखा सुनिए। उसने लिखा कि दिल्ली से आगरा के बीच कोई भी ढंग का कस्बा नहीं दिखा। दिल्ली से आगरा के बीच कोई ढंग का कस्बा था ही नहीं, जैसा कि फ्रांस में दिखते हैं। लेकिन मथुरा की बात अलग, जहां एक प्राचीन और भव्य मंदिर अब भी दिखता है। वो भी बता रहा है कि वहां प्राचीन और भव्य मंदिर दिखता है, किसी मस्जिद के बारे में नहीं बता रहा है। फ्रांस के एक कारोबारी जीन ट्रेवेनियर ने 1650 में मंदिर और मूर्तियों के बारे में लिखा था। उसने लिखा कि पूरे भारत में यह भव्य इमारतों में से एक है। इसे 5 से 6 कोस दूरी से देखा जा सकता है। इसे बनाने में लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। मूर्तियों में काले संगमरमर की बनी एक मूर्ति का सिर दिखता है जिसमें आंखें रूबी की तरह दिखती। सिर को छोड़कर बाकी मूर्ति लाल कपड़े में दिखती है। इसमें बांह भी नहीं दिखती। इस मूर्ति के अगल बगल में 2 फुट ऊंचाई के 2 और मूर्तियां दिखती हैं, लेकिन इन मूर्तियों के चेहरे सफेद हैं। काली मूर्ति किसकी? कृष्ण भगवान की। सफेद मूर्तियां उनके बड़े भाई और उनकी बहन की। 1650 में लिख कर गया है वो आदमी। इतने सबूत हैं मथुरा में मंदिर के निशान। हमने पाठशाला के मथुरा चैप्टर में पहले भी किया था, जब चैप्टर 1 किया था, जिसको कोर्ट में सबूत के तौर पर रखा गया, कहा गया कि देखिए ये सब चीजें मिली हैं, मथुरा का मामला जो है सुना जाना चाहिए। और अब मथुरा का मामला चल भी रहा है। हमने उस दिन मथुरा चैप्टर में ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंगम का जिक्र किया, जो ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर जनरल थे और जिन्होंने मथुरा के बारे में विस्तार से लिखा। अलेक्जेंडर कनिंगम ने मथुरा के बारे में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और आर्कियोलॉजिस्ट FS ग्राउस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, जो अभी FS ग्राउस बताया था ना आपको, कोर्ट ने जिसके बारे में कहा था। उस ग्राउस की रिपोर्ट में क्या लिखा था? उस ग्राउस की रिपोर्ट में लिखा था कि साल 1663 में केशव देव का मंदिर वहां मौजूद था। लिख रहा है रिपोर्ट में औरंगजेब ने कब तोड़वाया, 1670। यह कब का लिख रहा है? 1663 में, कि केशव देव का मंदिर मौजूद था। जब औरंगजेब मथुरा आया तो फरवरी 1669 में भव्य केशव देव मंदिर को तोड़ दिया गया। औरंगजेब ने भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई। इसके सबूत भी हैं।
मस्जिद के अलग अलग चबूतरों पर हिंदू धर्म से जुड़ी कलाकृतियां थीं। ये ठीक वैसी थीं जैसी मुख्य केशव देव मंदिर में थी। मुख्य मंदिर के अलग अलग पत्थरों को तोड़कर मस्जिद में फिट किया गया। मस्जिद के अंदर वो पत्थर मौजूद हैं जिन पर देवनागरी में लिखी पंक्तियां थीं, जो पत्थरों के काटने से आधी अधूरी बची थी। ये वो लिख के गया है, एफएस ग्राउस की रिपोर्ट में है ये, कि मंदिर के हिस्से तोड़कर मस्जिद में लगाए गए, और चूंकि आधे अधूरे तोड़कर लगाए गए तो वो आधी अधूरी लाइनें लिखी हुई मिलती हैं, कलाकृतियां मिलती हैं, वैसे ही जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिलने का दावा। एक पत्थर पर संवत शब्द का स गायब है, मतलब सन जो लिखा रहता है वो गायब है, वत है। दूसरे पत्थर पर केशव राय लिखा है, तीसरे पत्थर पर संवत 1720 लिखा था। संवत 1720 वर्ष 1656 और 1663 के बराबर था, यानी जब केशवदेव मंदिर टूटा नहीं था, जिससे पता चलता है कि औरंगजेब के शुरुआती दौर में केशवदेव मंदिर वहीं मौजूद था। मथुरा की जमीन को लेकर चले कोर्ट के सभी मामलों में यह साबित हो चुका था कि इस जमीन का मालिकाना हक राजा पटनीमल और उनके वंशजों के पास था, जिसे उन्होंने नीलामी में अंग्रेजों से खरीदा था, और इस जमीन के किसी भी हिस्से पर मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं था। यह हर केस में साबित हुआ। कोर्ट कह चुका है, दस्तावेज कह चुके हैं कि मुस्लिम पक्ष का उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं। मंदिर को लेकर क्या बातें हैं वो मैंने आपके सामने रख ली, अब आगे सुनिए। 8 फरवरी 1944 को राजा पटनीमल के वंशज राय किशन दास ने कटरा केशव देव की पूरी जमीन के अधिकार पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और डॉक्टर भीखनलाल अत्रे को 13,400 रुपए में दे दिए। 8 फरवरी 1944 के जमीन सौदे के खिलाफ मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट ने 1946 में पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य के खिलाफ सिविल केस फाइल कर दिया, लेकिन यह केस भी खारिज हो गया। जब ईदगाह ट्रस्ट का केस खारिज हुआ उसके बाद क्या हुआ, अब आपको यह बताता हूं। कटरा केशव देव की जमीन के असली खरीदार सेठ जुगल किशोर बिड़ला थे, जिन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया। 21 फरवरी 1951 को जमीन के सभी अधिकार ट्रस्ट को दे दिए। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को जमीन देने के खिलाफ मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट और कुछ अन्य मुसलमानों ने 1959 में केस कर दिया, वो केस भी खारिज हो गया। लेकिन बाद में जो समझौता हुआ उसमें ट्रस्ट ने नहीं बल्कि दूसरे पक्ष ने यह ईदगाह की जो जमीन है या ईदगाह जो मस्जिद है उससे समझौता कर लिया कि ठीक है वहां मस्जिद रहेगी। डॉक्यूमेंट सारे हैं, जमीन के मालिकाना हक को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा संदेह की गुंजाइश है, फैसला कोर्ट करेगा। सारी बातें हमने आपको बता दी, इतिहास के पन्नों में क्या है, मंदिर को लेकर क्या है, कोर्ट केसेस में क्या है, विदेशी टूरिस्ट ने क्या कहा है, सारी चीजें शीशे की तरह साफ है। 91 का एक्ट बीच में आना नहीं, कोर्ट सुनेगा तय कर देगा क्या करना है। यह था मथुरा का चैप्टर नंबर 2। पाठशाला में अब पीएम मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो हम स्पेशल सीरीज चला रहे हैं उसका नया चैप्टर। आज इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का गौरव फिर से दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो किया जो पहले ना तो कोई सोच पाया न कर पाया। जिस प्राचीन विरासत पर पीएम मोदी ने सबको गौरव करना सिखाया उस पर बात करने से भी पहले की सरकारें हिचक जाती थी, क्योंकि किसी को एक वोट बैंक खोने का डर था तो किसी को कथित सेक्युलर इमेज को बना के रखना था। लेकिन पीएम मोदी ने हमारी सांस्कृतिक धार्मिक और सनातनी परंपरा पर सार्वजनिक तौर पर गर्व जताने में कोई हिचक नहीं दिखाई, कभी नहीं दिखाई। आपको अयोध्या की तस्वीरें याद होंगी, कोई सोच भी सकता था कि सैकड़ों वर्षों से चल रहे मामले के निपटारे के तुरंत बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता इतनी जल्दी साफ हो जाएगा? लेकिन मोदी सरकार में ऐसा हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ किया तो भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या गए। उन्होंने चिंता नहीं की कि कौन मुझे कहेगा कि मैं सेक्युलर हूं नहीं हूं, वो कभी इस बात को नहीं छिपाते कि वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन वो हिंदू भी और उनकी अपनी आस्था भी है। हां, वो आस्था
जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर सोचते हैं और काम करते हैं तो उस पर हावी नहीं होती, लेकिन वो आस्था उतार कर छोड़ दें ये भी वो नहीं करते और ढोंग तो बिल्कुल भी नहीं करते। अयोध्या गए, भूमि पूजन किया। आज की स्थिति यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। 1 जून को गर्भगृह का भूमि पूजन होगा। दिसंबर 2023 तक मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है और उसके फौरन बाद ही रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। भगवान राम का भव्य मंदिर 268 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में 212 खंभे होंगे, हर खंभे में 16 मूर्ति होगी। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या में मास्टर प्लान 2031 भी चल रहा है, जिसके तहत अयोध्या को सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मास्टर प्लान में पूरे अयोध्या का विकास किया जाएगा। इसी तरह से पीएम मोदी ने वाराणसी में जो किया, भारत का प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र रहा है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा तक सीधा कॉरिडोर बना। आप काशी चले जाइए, जो लोग पहले जाते थे वो कहते थे कि इतनी तंग गलियां थी कि पहुंचना मुश्किल होता था। आज काशी विश्वनाथ मंदिर जाइए तो भव्य दिखता है, भव्य लगता है। मैं गया हुआ हूं, भव्य बना हुआ है और इसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया। यह कॉरिडोर 900 करोड़ रुपए की लागत से बना, इस देश में पहले से था, इतने सालों सदियों से था, लेकिन किसी को नहीं लगा कि यह कॉरिडोर बनना चाहिए और काशी विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ का इतना प्रमुख स्थान, हिंदुओं के लिए इतना प्रमुख स्थान, उसको कम से कम एक इस तरीके की पहचान मिलनी चाहिए। 900 करोड़ रुपए की लागत से यह बना, नरेंद्र मोदी ने अपने रहते हुए करवाया और 250 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर को प्राचीन गौरव देने की कोशिश की गई। आज की स्थिति यह है कि कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ गई। पहले यहां 1 दिन में औसतन 1.5 लाख लोग आते थे, लेकिन अब 1 दिन में आने वाले लोगों की संख्या 5 से 6 लाख तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में प्रसाद इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के मंदिरों और तीर्थ स्थानों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब यह प्रसाद क्या है? इस योजना के तहत केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का विकास किया गया। केदारनाथ धाम की आज की तस्वीर देखकर कोई सोच ही नहीं सकता कि यह इतना व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त हो सकता है। पिछले साल नवंबर में पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। नवंबर 2021 में ही पीएम मोदी ने सरस्वती घाट, मंदाकिनी घाट, तीर्थ पुरोहित आवास और मंदाकिनी नदी में गरुण चट्टी की आधारशिला भी रखी। भारत की प्राचीन संस्कृति के एक और प्रतीक सोमनाथ मंदिर का भी कायाकल्प प्रसाद योजना के तहत किया। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। 20 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया था। सोमनाथ मंदिर के पीछे 1.48 किलोमीटर लंबे वॉकवे का निर्माण किया था, जिससे मंदिर और समुद्र का शानदार नजारा दिखाई देता है। यह वॉकवे मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह घुमावदार है। इसके अलावा सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर तैयार किया गया, जहां मंदिर के प्राचीन अवशेष रखे गए हैं। इस सेंटर के जरिए श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर के इतिहास को जान सकेंगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बातें हैं ये। जिस देश में हिंदुओं के लिए कुछ करना आपको तुरंत कम्युनल बनाता है, उस देश में प्रधानमंत्री ने इसकी परवाह की ही नहीं, उस फर्जी सेक्युलरिज्म की परवाह की ही नहीं, करते चले गए। और उनका एक और मकसद था कि जब यह होगा इतना बेहतर होगा, 3 गुना टूरिस्ट, 4 गुना टूरिस्ट, 4 गुना श्रद्धालु बढ़ेंगे, तो उस पूरे इलाके का विकास होगा, उस पूरे इलाके में रोजगार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में ही पार्वती मंदिर का शिलान्यास किया। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बनाया जाएगा। इसके अलावा भक्तों की सुविधा के लिए छतरियों यानी कैनोपीज वाला व्यू कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। मंदिर तक जाने के लिए मुख्य मार्ग को और चौड़ा और आकर्षक बनाया जाएगा। इसी तरह से पीएम मोदी के कार्यकाल में दूसरे तीर्थ स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा तक रेल लाइन शुरू की गई। वंदे भारत ट्रेन कटरा तक जाती। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने वैष्णो देवी में एक नए ताराकोट मार्ग का उद्घाटन किया था और माता वैष्णो देवी की गुफा तक सामान ले जाने के लिए रोपवे का भी शुभारंभ किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश में ही मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं किया बल्कि विदेशों में भी हिंदू मंदिरों की नींव रखी। फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अमीरात में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। मैं उस वक्त प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर करने के लिए वहां गया था। उस हिंदू मंदिर के लिए जो जगह है मतलब कई एकड़ में है और वहां जो मंदिर बनेगा उसके बारे में मैंने रिपोर्टिंग की थी। पहला हिंदू मंदिर, अभी जो इकलौता हिंदू मंदिर आप कह लीजिए, और वो मंदिर क्या है, दुबई में सीढ़ी से ऐसे खोपचे जैसा इलाका है, उससे चढ़ते हुए ऊपर जाइएगा दुबई में तो कहीं पर एक छोटा सा मंदिर, जितने हिंदू वहां होते हैं वहीं जाते हैं। अब जो मंदिर बनेगा वो दुनिया देखेगी ऐसा बन रहा है संयुक्त राष्ट्र अमीरात में, और आधारशिला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। दुबई के ओपेरा हाउस में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर का शिलान्यास किया। स्वामी नारायण संस्था तकरीबन 27 एकड़ भूमि पर 888 करोड़ में मंदिर का निर्माण करा रही। यूएई में तकरीबन 35 लाख भारतीय रहते हैं लेकिन वहां अब तक एक भी हिंदू मंदिर नहीं था, मतलब ऐसा मंदिर, एक जो मैं आपको बता रहा हूं वो छोटा सा कोई मंदिर है। यूएई के अलावा बहरीन ने भी एक हिंदू मंदिर का निर्माण जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ हिंदू धार्मिक संस्थानों को ही नहीं सहेजा बल्कि करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की सिख समुदाय की वर्षों पुरानी मांग भी 2019 में पूरी कर दी। ये करतारपुर साहिब भी कवर करने में गया हूं, पाकिस्तान गया था क्योंकि ये पाकिस्तान में पड़ता है। वहां आप सोचिए, पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों का यह हाल है कि उन पर बहुत अत्याचार होते हैं और उन अल्पसंख्यकों को सम्मान देने के लिए, नागरिकता देने के लिए सीए कानून आया था, जब मैं ये करतारपुर साहिब गया कवर करने, ये भी बहुत भव्य बना है और सिखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है वहां पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का यह हाल है कि उस गुरुद्वारे के अंदर ज्यादातर जगहों पर मुसलमान खड़े थे जो कि कुछ कुछ काम कर रहे थे, सिख भी थे बहुत जगहों पर मुसलमान, क्यों उतने सिख ही नहीं है वहां। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया। करतारपुर साहिब भारतीय सीमा से सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित है। सन 1522 में सिखों के पहले गुरु नानक देव ने इसकी स्थापना की थी। गुरु नानक देव ने अपने जीवन के आखिरी साल इसी जगह पर बिताए थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त करतारपुर साहिब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के जरिए पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को भी पहुंचाया। पीएम मोदी ने दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर दुनिया के 177 देशों ने सहमति दी। इसके बाद 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिल्ली में राजपथ पर पीएम मोदी की अगुवाई में तकरीबन 36,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम में 84 अलग अलग देशों के नागरिकों ने भी योग किया। एक साथ इतने लोगों के योग करने का यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है। 2015 के बाद से हर साल दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ये ऐसी बातें हैं, आपकी अपनी परंपरा, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना योग, ये यहीं था। पिछले 250 सालों में और आजाद होने के बाद भी आप सोच लीजिए, किसी ने यह नहीं सोचा कि योग को दुनिया में फैलाएं, दुनिया में ले जाएं, दुनिया को बताएं हमारा है योग, हमारा है, नहीं सोचा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर किसी ने नहीं सोचा, करतारपुर और कॉरिडोर, आप अयोध्या देख लीजिए, गर्व से जाकर कह रहे हैं कि भाई यहां मंदिर बने, हमारी संस्कृति है ना भाई। गुजरात के सीएम रहते हुए भी नरेंद्र मोदी देश की विरासत और संस्कृति को सहेजने और उसे विकसित करने में लगे रहते। 2001 के भूकंप के बाद कच्छ में 200 साल पुराने लखपत साहिब गुरुद्वारे को फिर से तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट को 2005 में यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया था। कच्छ को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित करने के लिए रन उत्सव भी नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। गुजरात के सीएम रहते ही नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट पूरा किया। इस समय नरेंद्र मोदी ने धोलावीरा की प्राचीनता को बनाए रखने के साथ उसके आसपास कई विकास कार्य किए थे।
तो जो मैं आपको कल बता रहा था चैप्टर में कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो रातों रात उन्होंने करना शुरू नहीं किया, वो उनका आप चैप्टर उठाई कल जो मैंने बताया था, नहीं देखा हो आप देखिएगा यूट्यूब पर होगा, वो आपको दिख जाएगा कि उनके अंदर ये चीजें हैं, एक दिन की बात नहीं है, वो करते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केवल देश में ही संस्कृति और विरासत को विकसित नहीं किया बल्कि विदेशों से भारतीय संस्कृति के प्राचीन निशान भी वापस लाए। मोदी सरकार के 7 साल में अब तक दुनिया भर से 250 से ज्यादा पुरातन मूर्तियां, दस्तावेज, कलाकृतियां भारत लाई जा चुकी हैं। इन सबको चोरी करके विदेश में तस्करी कर दिया गया था और इनमें से कुछ कलाकृतियां तो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। 2016 में अमेरिका ने भारत को 776 करोड़ रुपए की कीमत की 200 कलाकृतियां वापस की थी। जुलाई 2021 में ऑस्ट्रेलिया सरकार भारत को 17 करोड़ की पुरानी कलाकृतियां वापस करने का ऐलान कर चुकी है। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय संस्कृति विरासत पर गर्व है और वो इसका प्रचार प्रसार करते हैं, कुछ छुपाते नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी मेहमानों को गिफ्ट के रूप में भारतीय संस्कृति से जुड़ी वस्तुएं गिफ्ट करने की परंपरा शुरू की। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जब पीएम मोदी वहां गए तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को गुलाबी मीनाकारी का शतरंज सेट भेंट किया। मीनाकारी काशी की पुरानी परंपरा, ये तस्वीरें हैं उसकी। इसी साल मार्च में जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को उपहार में कृष्ण पंखी भेंट किया जो चंदन की लकड़ी से बना है और उसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा बनी हुई, ये है वो पंखी के ऊपर मोर भी बना हुआ है। कृष्ण पंखी राजस्थान के चुरू में बनती है। 24 मई को जापान में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान सांझी कलाकृति भेंट की। ये तस्वीर उन्होंने जो बाइडेन को दी थी। सांझी कला मथुरा की प्राचीन कला है और भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस कला के जरिए राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाया जाता है। इसी साल मई में यूरोप के दौरे पर पीएम गए तो उन्होंने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को एक डोकरा बोट तोहफे में दी। ये कोई आम बोट नहीं है, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, बल्कि गैर लोहे की धातु से बनी एक अनोखी कला है जिसका निर्माण छत्तीसगढ़ में किया गया है। भारत में यह कला पिछले 4000 सालों से चलन में। इसी दौरे पर डेनमार्क के की क्वीन मार्गरेट का भी प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान किया था और उनको गुजरात में बनाई गई एक खूबसूरत रोगन पेंटिंग भेंट के रूप में दी थी। रोगन पेंटिंग की कला गुजरात के कच्छ की है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए उबले हुए तेल और सब्जियों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की संस्कृति विरासत को बचाने और बढ़ावा देने के लिए साथ ही मोदी सरकार में ही उस इतिहास में भी सुधार हो रहा है जिसे एक खास एजेंडे के तहत हमें अब तक गलत पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया गया था, जिसके बारे में पाठशाला में हम आपको बता चुके हैं कैसे एजेंडे वाले इतिहास की उन गलतियों को सुधारा गया। एक बार उसका रिवीजन आपको करवाते हैं। मैं अब उस इतिहास की बात जो अब तक 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था लेकिन जिसके चैप्टर अब डिलीट कर दिए गए, ऐसा क्यों किया, इस पर हिस्ट्री की क्लास। ...2022-23 के सत्र के लिए सीबीएसई ने अपने सिलेबस में कुछ बदलाव किए। क्लास 9th से लेकर 12th तक के सिलेबस से कुछ चैप्टर हटा दिए गए और कुछ विषयों को जोड़ा भी गया। क्या क्या हटाया गया है पहले ये आपको बता देता हूं। 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से गुटनिरपेक्ष आंदोलन और शीत युद्ध का चैप्टर हटा दिया गया। इतिहास की किताब से मुगल अदालतों के इतिहास का चैप्टर हटा दिया गया। 12वीं की क्लास में द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स नाम से चैप्टर है। इसमें कैसे मुगलों का गुणगान किया गया है ये आपको आगे बताऊंगा। 11वीं की क्लास में इतिहास की किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का चैप्टर भी हटा दिया गया। इसमें अफ्रीकी एशिया क्षेत्र में इस्लामिक साम्राज्य के उदय के बारे में बताया गया। इस्लामी इतिहास, मुस्लिम समाज, अरबी समाज, पैगंबर मोहम्मद और खिलाफत के बारे में बताया गया। 10वीं की क्लास में फूड सिक्योरिटी के चैप्टर से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का टॉपिक हटा दिया गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि सीबीएसई के सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को हटाया गया। सीबीएसई के अधिकारियों के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की सिफारिश पर सिलेबस में बदलाव किया गया।
12वीं की क्लास में हिस्ट्री की बुक से द मुगल कोर्ट रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स वाले चैप्टर को हटाया गया। इस चैप्टर में मुगल शासकों का गुणगान किया गया था। पेज नंबर 229 से 230 में यह बताया गया कि कैसे चित्र बनाने को लेकर मुगल शासकों और मुसलमान रूढ़ीवादी वर्ग में अक्सर तनाव रहता था, लेकिन समय के साथ सबने इस्लाम की अपने अपने तरीके से व्याख्या की। पेज नंबर 230 पर अकबर बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़ीवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना, यह बताया गया। मतलब कैसे मुगल शासक महान थे और कैसे उस जमाने में वही सब कुछ कर रहे थे, यह बताया जा रहा था। पेज नंबर 231 आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैन, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुगलों ने कैसे तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया, यह नहीं बताया। कैसे सब मिलजुल कर रह रहे थे, यह बताया। पेज नंबर 232 दरबारी इतिहासकारों के हवाले से कहा गया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिलती थी, ये बच्चे पढ़ रहे थे। सीधे ईश्वर मुगल राजाओं को शक्ति देता था। पेज नंबर 233 इसमें एक तस्वीर छपी है जिसमें जहांगीर का चित्र बना है और वो अपने पिता अकबर की तस्वीर हाथ में लेकर खड़ा है। अकबर को सफेद रंग की पोशाक में दिखाया गया है। अकबर को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए अकबर की तस्वीर के पीछे एक गोलाकार आकृति है, जैसे अकबर कोई ओजस्वी पुरुष हो, जैसे नहीं बनाते कि ओजस्वी उसके पीछे से लाइट निकल रही हो, उस तरीके की तस्वीर दिखाई है। क्या था अकबर में ऐसा कि लाइट मार रहा था? ये तो वो इतिहासकार थे जो आपकी आंखों में लाइट मार के सच देखने नहीं दे रहे थे। इसी चैप्टर के पेज नंबर 233 में सुलह कुल यानी पूर्ण शांति का जिक्र किया गया है। यह बताया गया कि मुगल शासन की आधारशिला सुलह कुल की ही है। इसी पेज पर यह भी लिखा है कि मुगल शासक सभी धर्मों के लोगों को साम्राज्य का हिस्सा मानते थे। बादशाह सभी धार्मिक और नरजातीय समूहों से ऊपर होता था। इनके वो अलग अलग धर्मों के बीच मध्यस्थता कराता था और यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। यह भी दावा किया गया कि मुगल काल में सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, बस शर्त यही थी कि वो आपस में नहीं लड़ेंगे। मतलब मुगल कितने शांति प्रिय थे, मतलब उनकी शांति को लेकर जो अवधारणा थी, जो मोहब्बत थी, शांति थी, जितने सेक्युलर थे, ये सब अंदर तक बस जाना चाहिए, ये पढ़ाया जा रहा था। और मैंने अभी तो कम किया, फिर हिस्ट्री की क्लास शुरू करूंगा। मैंने आपको बताया था कि मुगलों का दिमाग कैसे दौड़ता था कि कैसे पूरा कब्जा लें, और उसके लिए तलवार ऐसे हन हन लहराते थे। और औरंगजेब तो क्या करता था वो सबको पता है। इसी चैप्टर के पेज नंबर 234 पर मुगल शासकों को सबसे बड़ा सेक्युलर और हिंदू प्रेमी दिखाने की कोशिश की। पेज नंबर 234 पर जो लिखा वो भी बता देता हूं। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यहां तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है, ये पढ़ाया जा रहा। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, ये नहीं पढ़ाया कि युद्ध में मंदिर टूटते क्यों थे, कितने मंदिर तोड़े गए, ये नहीं बताया। तलवार की नोक पर अगर इतना धर्म से प्यार था, हिंदुओं से प्यार था, तो तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन क्यों कराया? तो फिर पहले किसी को मारो, उसकी हड्डी तोड़ दो, और फिर कहो कि मैंने उसके इलाज का खर्चा उठाया। अरे पहले हड्डी क्यों तोड़ी ये तो बताओ, ये नहीं बताया। इलाज का खर्चा उठाने वाले ओजस्वी और दानी लोगों के बारे में बताया मुगल। 11वीं क्लास की हिस्ट्री बुक के चैप्टर 4 का नाम है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। इसमें इस्लाम के उदय बारे में और उसके गुणगान को देखने को मिलता था। यह बताया गया कि इस्लाम का विस्तार कैसे हुआ। इस चैप्टर में लिखा है कि अब जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। वो भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनका पहनावा भी अलग अलग किस्म का है।
वो जिन तरीकों से मुसलमान बने वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के थे और वो परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न थी जिनके कारण वो अपने अपने रास्तों पर चले। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित, जिसका प्रारंभ आज से लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। बच्चे पढ़ रहे हैं इस्लाम कैसे बढ़ा और क्यों बढ़ा। इस चैप्टर में आगे लिखा है कि अरब लोग कबीलों में बटे थे। हर कबीले का नेतृत्व एक शेख करता था। प्रत्येक कबीले के स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों के रूप में पूजे जाते थे। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला मक्का में रहता था। वहां के धर्म स्थल पर नियंत्रण था। स्थल का ढांचा घनाकार था, उसे काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे, वो भी इसमें अपने बुत रखते थे। हर वर्ष इस इबादतगाह की धार्मिक यात्रा यानी हज करते थे। बच्चे पढ़ रहे थे। चैप्टर में आगे लिखा है कि सन 612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी रसूल घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया कि केवल अल्लाह की ही इबादत की जानी चाहिए। इबादत की विधियां बड़ी सरल थीं, जैसे दैनिक प्रार्थना, सलात, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना और चोरी न करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़े। ये सब स्कूल की किताबों में बच्चे पढ़ रहे कि इस्लाम में क्या था, नहीं था, कैसे था, कैसे नहीं था। बच्चे स्कूल में ये क्यों पढ़ रहे? इस चैप्टर में आगे लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और अपनी नई सामुदायिक पहचान की बाट रखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान कहा जाता था। उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा। सन 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा से इस्लाम के इतिहास में नया मोड़ आया। जिस साल उनका आगमन मदीना में हुआ उस साल से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत। पूरा चैप्टर इसी पर है कि कैसे बुतों का विरोध करने पर पैगंबर मोहम्मद साहब को विरोध झेलना पड़ा और कैसे जब कयामत आती तो मुसलमानों को किस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट होता और कैसे दूसरों के साथ होता। अब आप सोचिए ये बातें आप बच्चे को स्कूल में, आपके बच्चे को क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूं। उसे अगर धर्म के बारे में पढ़ना है वो अपने घर में पढ़ेगा, वो स्कूल में जाके धर्म के बारे में क्यों पढ़ रहा है। आगे चैप्टर में लिखा है कि मुसलमान मक्का के काफिलों पर छापे भी मारते थे। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के तौर पर पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा दूर दूर तक पहुंच गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इसी पर बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना। पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया। पैगंबर मोहम्मद के संरचित गठजोड़ का फैलाव पूरे अरब क्षेत्र में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी और मक्का उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े से समय में अरब प्रदेश में काफी बड़े भाग को नए धर्म समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफलता मिली। समझ में नहीं आता था कि बच्चों को धर्म के बारे में बता रहे हैं या धर्म बदलने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यह पढ़ाया जा रहा था। अब यह चैप्टर नहीं है, CBSE अब यह नहीं पढ़ाएगा। CBSE ने अपने सिलेबस में पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की शायरी पर भी कैंची चला। 10वीं में सोशल साइंस के सब्जेक्ट में धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष राज्य पाठ से पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की शायरी भी हटाई गई। इस चैप्टर के पेज नंबर 46-48 पर फैज की एक एक शायरी के पोस्टर है। ये पोस्टर्स आपको दिखा रहा हूं। पेज नंबर 46 पर धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति वाले हिस्से में
फैज अहमद फैज की एक कविता है जिसमें लिखा है, चश्मे नम जाने शोरीदा, काफी नहीं तोहमते इश्क पोशीदा, काफी नहीं आज बाजार में पा बजौला चलो, यानी आंसू बहाने के लिए काफी नहीं है, पीड़ा सहने के लिए गुप्त रूप से प्यार को पालने का पालन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, आज जंजीरों में जकड़े सार्वजनिक चौक में चलो। पेज नंबर 48 पर फैज की एक और कविता है, हम तो ठहरे अजनबी, कितनी मुलाकातों के बाद खून के धब्बे धुलेंगे, कितनी बरसातों के बाद। ये 10वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। सब डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, लेकिन जिनके दिमाग में छपा है पिछला वाला, उसको कैसे डिलीट कीजिएगा? उसको डिलीट करने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि जिन्होंने ये पढ़ाने का सोचा बच्चों को, उनका मकसद क्या था।